Namaskar, this is Kapildev Sharma and I welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma. This is the second video of adjectives. और first video में आपको adjectives का introduction और उसके types के बारे में बताया और ये quite easy example से समझाना चाहा कि जब भी हम किसी noun या उसके बदले लिखे गए किसी और शब्द pronoun के बारे में कुछ भी meaning add करते हैं तो वो basic function adjectives का होता है. मैंने example से आपको समझाना चाहा कि भैया एक पेन दीजिएगा, जरा एक ब्लैक पेन देना, एक रेड पेन दीजिएगा. अब जब भैया एक पेन आपको देंगे तो वो एक पेन कहने से एक उस पेन के बारे में, वी ऑल नो पेन नाउन है, उस एक से आपने उसकी क्वांटिटी दिखाना चाहिए है, या फिर दो चार कहने से, और ब्लैक चाहिए या रेड चाहिए या ब्लू और ग्रीन चाहिए, आपने उसकी क्वालिटी का जिक्र किया है. भैया जरा 2 किलो अच्छे अच्छे एप्पल दे दीजिएगा. आपने वीडियो देखा होगा, ऑब्वियसली आपको एग्जांपल याद होगा कि जब हम एप्पल खरीदने जाते हैं तो एप्पल तो नाउन है लेकिन उसकी क्वांटिटी सिर्फ 2 किलो दीजिएगा. एक काम करो, आधा किलो और डाल दो उसमें क्वांटिटी, और ये वाला तो खराब है, वो अच्छा वाला रख दीजिएगा क्वालिटी. बेसिकली द वर्ड्स विच एड मीनिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. वो शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी एड कर पाते हैं एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. This is the second video. और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे इस बात पर कि बचपन से शायद हमने किसी शब्द को उसके मीनिंग के अनुसार तो बाखूबी देखा होगा, बट हमें नहीं पता कि वो ग्रामर में किस किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह बिहेव कर सकता है. मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ वाटर इंग्लिश में किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखेंगे, तो आप में से 90% लोगों का आंसर होगा नाउन. बिकॉज हम सब ये बात जानते हैं कि पानी भाई देखा जा सकता है तो ऑब्वियसली नाउन की कैटेगरी में होगा. हम में से कुछ लोग ऐसा जानते होंगे कि वाटर इंग्लिश में वर्ब भी होती है, और ना के बराबर लोग यूज कर पाते होंगे कि वाटर एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, और भी फंक्शन करवाए जा सकते हैं. जनरल तौर पर हम जिस देश में रहते हैं वहां पर, मुझे नहीं पता आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, बट बेसिकली इंग्लिश का लेवल हर जगह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, और हम किसी शब्द को उसके मीनिंग के अनुसार याद करें उससे बेहतर होगा कि उसके पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यूज करना चाहे. मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे, जनरली किसी वर्ड को उसके मीनिंग से याद रखना बहुत गलत चीज है. उसके पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार यानी सेंटेंस में वो किस किस तरह फंक्शन कर सकता है से याद रखना बहुत बेहतर होगा. बिकॉज आज हम जिस एज पर हैं वहां पर सिर्फ शब्दों के मीनिंग से ग्रामर नहीं बनती, वो आप वोकैबुलरी याद कर सकते हैं. हाउएवर उसमें भी चीजों को फंक्शन के आधार पर बांटा जा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, एक सेंटेंस में उस शब्द को किस तरह इस्तेमाल किया गया है, हम सब जानते हैं. कहीं वो सब्जेक्ट हो जाता है, कहीं पर वही चीज ऑब्जेक्ट हो जाती है, कहीं वो वर्ब बिहेव कर रही है, कभी उसका एडजेक्टिव बना दिया, और अदर फंक्शंस कराए जा सकते हैं. तो आइए इस वीडियो में आप देखते हैं कि जनरल तौर पर जितने प्रोनाउंस हमने पढ़े लास्ट वीडियो प्रोनाउन में, लास्ट चैप्टर प्रोनाउन में, उनमें से काफी सारे शब्द इंग्लिश में एडजेक्टिव बिहेव कर सकते हैं, या फिर ये कह दीजिए इंग्लिश के कई एडजेक्टिव्स प्रोनाउन का बिहेवियर भी देते हैं. ये मैंने क्या कहा आप अभी देखेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज हमने नाउन के आधार पर चीजों को शब्दों के मीनिंग के अनुसार याद किया होगा, बट उसको सेंटेंस में किस तरह वेरिएट किया जाता है ये हम में से हर कोई तो नहीं जानता. तो आइए देखते हैं यूज ऑफ सम प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स. हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स. ओके, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो शेयर किया था यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ अ प्रोनाउन. उसमें दो आपसे रामबाण यानी इंग्लिश के डिफाइंड बेसिक्स के बारे में बात की थी, और कोशिश की थी कि आप हमेशा याद रखें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन आते हैं, साथ ही प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन लिखे जा सकते हैं. आई रिपीट और अगेन एंड अगेन कि इंग्लिश में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन आ सकते हैं, और प्रपोजिशंस के साथ भी ऑब्जेक्ट आते हैं. उल्टा कह दीजिएगा तो वर्ब प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट लेने का हक या तो वर्ब्स को होता है या फिर प्रपोजिशंस को होता है. मैंने इन दोनों में से एक भी टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया, वर्ब या फिर प्रपोजिशंस, लेकिन हाँ अगर आप डिटेल में देखेंगे तो वो चीजें आगे एनहांस होती मिल जाएंगी. लेकिन उससे पहले कि हमने वो ना भी पढ़ा हो, आप उनका यूज ग्रामर में कई जगह कर सकते हैं. तो दो वो लाइन थी, आई रिवाइज वंस अगेन, के इंग्लिश में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं,
प्रपोजिशंस के साथ भी ऑब्जेक्ट आते हैं। आज आप थर्ड चीज उसी में ऐड करेंगे कि थर्ड फंक्शनैलिटी इंग्लिश को कहां बेहतर बना सकती है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखेगा बिकॉज शायद आप कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो हम पहले से नहीं जानते थे। तो मैं उन दो फंक्शंस के बाद कि इंग्लिश में वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव केस और प्रपोजिशंस के साथ भी ऑब्जेक्ट ही आते हैं के बाद यहां से स्टार्ट करना चाहूँ। द फर्स्ट एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द गेम एंड आइदर टीम कैन विन द गेम। एक फर्स्ट ग्लैंस में हम इनकी हिंदी करके मीनिंग देखना चाहें तो लगभग सेम नजर आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द गेम और नाइदर टीम कैन विन द गेम, सेम ही कहा जाएगा। मीनिंग के आधार पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है पर ग्रामर के आधार पर इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा यूज ऑफ सम प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ज्यादा मुझे नहीं पता, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आइदर क्या होता है तो हमारी बचपन की यादों से आइदर और कंजंक्शन होते हैं, शायद हमें ये याद होगा आइदर और इंग्लिश में कंजंक्शन है। आप डिटेल में पढ़ते जाएंगे, आज फर्स्ट टाइम आइदर इंग्लिश में प्रोनाउन था, आप पढ़कर आए हैं प्रोनाउन के चैप्टर में। आइदर इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, आप अभी देखेंगे। आइदर इंग्लिश में एडवर्ब होती है, एडवर्ब के चैप्टर में देखिएगा। और आइदर के साथ जब और रख दिया जाता है तब वो कंजंक्शन बनता है। सिमिलरली नाइदर फर्स्ट फंक्शनैलिटी में इंग्लिश में प्रोनाउन है, दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर और दो में से एक के लिए आइदर हमने पढ़ा था। अगर आप भूल गए हो तो एक बार वीडियो चेक कर सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन इंग्लिश या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश। मैंने इन सारे शब्दों को वहां अच्छे से रिकॉल किया था कि यूज ऑफ नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, ऑल, नन, वन, एनी, इन सब का यूज आपको डिटेल में दिखाया था। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में कि ये प्रोनाउन कैसे है, आप एक बार वो वीडियो रेफर कीजिए और एक बार ये वीडियो रेफर कीजिएगा, इंग्लिश की बहुत अच्छी चीजें आप समझेंगे। सिमिलरली नाइदर इंग्लिश में क्या है, तो नाइदर प्रोनाउन है, नाइदर एडजेक्टिव है, नाइदर एडवर्ब होती है, और जब उसको नॉर के साथ रखकर सेंटेंस जोड़ने का काम करवाया जाता है तब जाकर उसे कंजंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे बोथ, तो बोथ इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन है, बोथ इंग्लिश में एडजेक्टिव है, आज ही आप देखेंगे। आगे कभी देखेंगे बोथ इंग्लिश में एडवर्ब भी होती है, और जब बोथ की पेयरिंग एंड के साथ रखकर उससे चीजों को जुड़वाया जाता है तब जाकर कहीं उसे कंजंक्शन कहा जाता है। और ऐसा कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इंग्लिश में फंक्शन कराया जाता है। तो हम पहले यहां से स्टार्ट करें, मुझे नहीं पता कौन से सेंटेंस में आइदर प्रोनाउन है और कौन से सेंटेंस में आइदर एडजेक्टिव है या कुछ और भी है, मेरे पास ज्यादा ग्रामर नहीं है, लेकिन आपसे इतना कहना चाहूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में तो आइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द गेम, मैं इतना तो अंदाजा लगा सकता हूं कि कैन विन यहां पर वर्ब की तरह फंक्शन करेगी बिकॉज कैन एक मॉडल होती है, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है जो ऑब्वियसली वर्ब की हो सकती है। सिमिलरली यही कैन विन इंग्लिश में वर्ब की तरह बिहेव करेगी। तो मुझे ज्यादा नहीं पता बट इतना जरूर जानता हूं कि ये वर्ब है, ये वर्ब है। और कॉमन सेंस कहता है इंग्लिश की स्ट्रक्चर्स के अनुसार वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो हैव अ लुक, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो ये तो वर्ब है, उसके बाद जो भी लिखा होगा वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होगा। ये वर्ब है, इसके बाद जो भी लिखा होगा वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इससे पहले डेफिनेटली सब्जेक्ट मार्क किया गया होगा। अब फर्स्ट ग्लेंस आपने यहां से यूज किया कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, फाइन। एक और उसी में लाइन लिखी हुई है, प्रपोजिशंस के साथ भी ऑब्जेक्ट एसोसिएट किए जाते हैं। आज से आप मुझसे ये चीज सीखेंगे, ऑफ द टीम्स भले ही सब्जेक्ट का पार्ट है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं बाद में देखेंगे। आई रिपीट, ऑफ द टीम्स कहीं ना कहीं वर्ब से पहले है तो नेचुरली सब्जेक्ट का पार्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऑफ यहां पर प्रपोजिशन है, हमेशा होता है, और प्रपोजिशंस के साथ चूंकि ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये तीनों फंक्शंस को हाल फिलहाल में साइड रख दूं, मैंने इनको क्रॉस नहीं किया, बस इतना कहना चाहा है कि ये इंग्लिश में वर्ब नहीं ले सकते। आई रिपीट, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को वर्ब लेने का कभी हक नहीं होता, वो हमेशा सब्जेक्ट अपने साथ रखता है। एग्जाम्पल अगर आप ये भी चीज देखना चाहें तो मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, आर्टिकल इधर लगाए, सिंगुलर एक दोस्त है, लेकिन जो हैव लिखा गया वो आई के साथ रहेगा। मेरे दो दोस्त हैं, आई हैव टू फ्रेंड्स, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जो हैव लिखा गया है वो हमेशा आई के साथ रहेगा, चाहे एक दोस्त हो या चार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सिमिलरली She has a friend में अगर आपने has लिखा है तो वो एक friend नहीं, she के साथ है। और अगर आप कहते हैं she has a lot of friends तो वहां पर a lot of friends के लिए आप have नहीं कर सकते, वो आपके object रहेंगे। यहां भी वंश functionality है। I repeat, first sentence में can win जो है वो verb है, verb के साथ object आते हैं,
प्रपोजिशंस के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्ट एसोसिएट किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑफ द टीम्स प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। अब जज करने के लिए ये तो ऑब्जेक्ट में चले गए, ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा। इंपैरेटिव स्टेटमेंट तो है नहीं जो बिना सब्जेक्ट के बन जाते हैं। डेफिनेटली यहां पर सब्जेक्ट किसको होना पड़ेगा? आइदर को, बिकॉज और कोई सब्जेक्ट मेरे पास मौजूद भी नहीं है। और आइदर एज अ सब्जेक्ट सिर्फ दो फंक्शन रख सकता है। अब थर्ड रामबाण जिसे मैं कहना चाहूं, अभी मुझे आज ही रिसेंटली किसी का कॉल आया कि सर जो आपने दो रामबाण बताए थे उनके अलावा भी कुछ होते हैं, तो मैं यहां से ऐड करना चाहूं जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक रहेगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड वन, किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, टाइम रहने से पहले उनके सारे आंसर देना चाहूंगा। तो लिसन टू मी केयरफुली, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है और कोई भी नहीं, भले ही वो सेंटेंस के पहले लिखा गया हो। बट दैट अगर वो नाउन नहीं है या प्रोनाउन नहीं है तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बार बार कहना चाह रहा हूँ, कैन विन यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आइदर को सब्जेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज इसके अलावा कोई दूसरा शब्द है ही नहीं जो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे। और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आइदर किसी का नाम तो नहीं होता कि मैंने आइदर किसी का नाम सुना हो, लेकिन हाँ तुम दोनों में से कोई एक चला जाओ। अब दो में से एक की जगह यानी किसी नाम की जगह लिखे गए शब्दों को इंग्लिश में हमेशा प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये हमने तब भी पढ़ा था, आज सिर्फ आपको रिवाइज किया कि आइदर इंग्लिश में प्रोनाउन है बट थोड़े बेहतर शब्दों के साथ कि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ईटीसी। सेकंड स्टेटमेंट देखने में तो वही फंक्शन रखता है, ग्रामर और पार्सिंग के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरिएट कर सकता है। अगेन कैन विन यहां पर वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होंगे, वर्ब के पहले जो भी लिखा गया होगा वो सब्जेक्ट होगा। यहां कोई प्रपोजिशन मुझे नहीं दिख रहा जिसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। मैं घर से रटकर आया, आइदर इंग्लिश में प्रोनाउन होता है और मैंने यहां चिपका दिया आइदर यहां प्रोनाउन है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बेसिक्स ना भूला हूं तो मुझे यह भी याद होना चाहिए कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर लिखे जाते हैं, नाउन के बगल में नहीं लिखे जाते। नाउन के स्थान पर लिखे गए शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, ना के नाउन के बगल में लिखे गए शब्दों को। तो मैं यहां प्रोनाउन नहीं लिख सकता इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज ऑलरेडी टीम एक कलेक्टिव नाउन मेरे पास मौजूद है। आई रिपीट, एक कलेक्टिव नाउन टीम वी ऑल नो मेरे पास मौजूद है। अब जब नाउन है तो उसके बगल में प्रोनाउन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ टीम जीत सकती है इस खेल को। अब दो में से एक टीम जीतेगी, दोनों टीम जीतेंगी, चार और टीम जीत सकती है, कोई भी नहीं जीतने वाली। किसी भी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो दो में से एक टीम जीतेगी, दोनों टीम जीत सकती हैं, चारों टीम क्वालिफाई कर जाएंगी, आठ में से एक भी नहीं करने वाली। किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाले, उसके मीनिंग में मीनिंग ऐड करने वाले को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आपके सामने है, आप जज कर सकते हैं। कई बार और बोलकर और बहुत धीमे से आपको समझाना चाहा कि यहां पर कैन वर्ब है, कैन यहां भी वर्ब है, यहां प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था तो टीम यहां ऑब्जेक्ट थी, टीम यहां सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर टीम सब्जेक्ट का पार्ट है। चूंकि ऑब्जेक्ट में चला गया बचा कुचा शब्द होगा और इंग्लिश में तीन रामबाण अभी तक के, फोर्थ वन और ऐड होगा बाद में देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। आइदर को यहां सब्जेक्ट होना पड़ेगा जो है ऑब्वियसली, अब नाउन या प्रोनाउन भी होना पड़ेगा। या तो ये नाउन होगा, आइदर किसी का नाम नहीं होता लेकिन दो में से एक की जगह लिखा जाता है, तो जो दो चीजें रही वो नाउन है और उनके बदले लिखे गए शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आइदर प्रोनाउन है, सेकंड स्टेटमेंट टीम चूंकि पहले से एक नाउन मेंशन है और नाउन के बगल में लिखे गए शब्द उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दिखाते हैं, तो टीम एक होगी, दो होंगी, चार होंगी, पचास होंगी। आइदर यहां पर एडजेक्टिव है बिकॉज टीम की क्वांटिटी दिखाने का काम किया। मान लीजिए मुझे नहीं समझ आया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, आगे कई एग्जांपल्स रहेंगे आप डिटेल में देखिएगा। नाइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द गेम, तो मैं फिर से वहीं स्टैंड करता हूं, कैन विन, आई एम सॉरी मैंने विद लिख दिया है, माफ कीजिएगा, कैन विन द गेम, सॉरी, नाइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द गेम। तो कैन विन वापस यहां पर आपकी वर्ब मान लीजिए, ऑब्वियसली है, मानना क्या है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसका, और वर्ब के पहले जो कुछ भी होगा वो सब्जेक्ट ही होगा। अब इसमें चूंकि बहुत सारे शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो मैं इंडिविजुअली जज करना चाहूं तो इंडिविजुअली वंस अगेन ऑफ इंग्लिश में प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के साथ जो भी लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये फिर से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होने का हक नहीं रखता।
फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बचा? नाइदर। चूंकि नाइदर यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है बिकॉज मेरे पास कुछ भी और नहीं है, ऑफ के साथ टीम प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट में चला गया, तो नाइदर को यहां पर सब्जेक्ट होना पड़ेगा। और एज वी ऑल नो, यहां से ऐड किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो नाइदर किसी का नाम होता हो तो मैं इसे नाउन कह दूं, लेकिन हाँ, तुम दोनों में से एक भी नहीं जाएगा, दो में से एक, अब वो दोनों नाउन है, उनके बदले लिखे गए शब्दों को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। तो नाइदर यहां पर प्रोनाउन है बिकॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और कोई सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं घर से रटकर आता हूं कि नाइदर इंग्लिश में हमेशा प्रोनाउन है, तो नाइदर यहां भी प्रोनाउन मान लिया मैंने, बट हां, पार्सिंग के आधार पर कैन, विन वापस आपकी वर्ब हो जाएगी, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेंगे और वर्ब के पहले सब्जेक्ट जाते हैं, तो ये ओवरऑल सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैंने नाइदर को प्रोनाउन माना, तो प्रोनाउन नाउन के बगल में नहीं आते, यहां ऑलरेडी एक नाउन मेंशन है, टीम। और वंस अगेन वही कहानी, किसी भी नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो नाइदर यहां पर एडजेक्टिव है, इन दोनों में से तो एक भी टीम नहीं जीतेगी, वो तो अलग ही टीम होंगी जो फाइनल्स में पहुंचेंगी और जीतेंगी, ये दोनों टीम में से एक भी नहीं जाने वाली। नाइदर टीम कैन विन दिस गेम, चूंकि टीम यहां पर पहले से नाउन मौजूद है, नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने पर एडजेक्टिव जरूर आ सकते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ समझा हो, सीखा हो। अगर नहीं है, डाउट है, तो मैं आगे और एग्जांपल्स रखूंगा, और फंक्शनैलिटी के आधार पर आप कई प्रोनाउंस को देखेंगे। आप उससे पहले चाहें तो इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन हैव योर टाइम। जरा आगे वापस इसी चीज को फिर से देखना चाहें कुछ अलग शब्दों के साथ। ओके, द फर्स्ट वन, वंस अगेन मैंने ऊपर लिख दिया है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। द फर्स्ट वन, बोथ ऑफ द बॉयज आर कमिंग एंड बोथ द बॉयज आर कमिंग। तो एट अ ग्लैंस आर कमिंग को मैं वर्ब में रखना चाहूंगा, चूंकि कम एक इंट्रांसिटिव होती है, क्या होती है बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं इसके पास, लिखित में तो नहीं है एटलीस्ट, तो वर्ब के पहले जो भी होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ग्रामेटिकली बोथ ऑफ द बॉयज, ये पूरा का पूरा यहां पर सब्जेक्ट बिहेवियर देगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल्स में आर कमिंग फिर से मेरी वर्ब है और बोथ द बॉयज ऑब्वियसली उसका सब्जेक्ट होगा, तो ये पूरा मैंने सब्जेक्ट मार्क कर लिया। लेकिन उस सब्जेक्ट में भी चार पांच शब्द हैं, इंडिविजुअली देखा जाए तो ऑफ वंस अगेन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये फिर से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप ये समझें कि ये बॉयज के लिए आर लिखा हुआ है, तो माफ कीजिएगा, इसीलिए मैंने एक लाइन कही थी कि नाइदर ऑफ के साथ बुक्स में रूल लिखा आता है नाउन प्लूरल, मैंने स्लाइड मिटा दी बट आप रिकॉल करें, जस्ट पिछली स्लाइड में थी, नाइदर ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आती है बट वर्ब सिंगुलर आती है। तो मैंने आपको समझाया जस्ट लास्ट स्लाइड में, मुझे ये चीज वैसे पहले बोलने चाहिए थी कि नाइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द गेम, तो ऑफ द टीम्स बिकॉज दो में से एक तो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके लिए नाइदर या आइदर लिखा हुआ है। अब टीम्स में तो एस रहेगा, लेकिन उनमें से नाइदर, बिकॉज टीम यहां प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अपने लिए वर्ब नहीं ले सकती, तो जो भी मेन वर्ब आएगी वो नाइदर या फिर आइदर के लिए लिखी जाएगी, और डिफॉल्ट तौर पर नाइदर और आइदर दोनों ही सिंगुलर जाते हैं। वापस देखिए, ऑफ द बॉयज प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एक शब्द बचा बोथ, यही सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। अब बोथ अगर किसी का नाम है, चूंकि नाउन प्रोनाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बिहेव कर सकते हैं, तो अगर बोथ किसी का नाम है तो मैं उसे नाउन कह देता हूं, तुम दोनों एक काम करो वहां चले जाओ। और बोथ किसी का नाम तो नहीं होता, लेकिन किसी के नाम के स्थान पर जरूर लिखा जाता है, और प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन प्रोनाउन के नाउन की जगह पर लिखे जाते हैं, सॉरी, इसीलिए बोथ इंग्लिश में हम पहले से भी जानते हैं प्रोनाउन है, और वेरीफाई भी किया कि हाँ, बोथ यहां पर प्रोनाउन ही होगा, तो यहां पर बोथ प्रोनाउन है। मैं फिर से घट से रट कर आया कि बोथ इंग्लिश में प्रोनाउन होता है, और मैंने यहां पर वापस यूज करना चाहा, बट ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह लिखे जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई नाउन नहीं है, माफ कीजिएगा, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो उसे ना सोचें कि ये यहां पर सब्जेक्ट में नाउन मेंशन है, बट यहां पर आर कमिंग आपकी वर्ब है, उसके पहले जो भी लिखा है वो सब्जेक्ट है। तो द बॉयज, बोथ द बॉयज, इस केस में अगर मैं बोथ को प्रोनाउन कह दूं तो मेरे जस्ट बगल में नाउन भी मेंशन है, और नाउन के बगल में प्रोनाउन तो नहीं आ सकते, फिर डेफिनेटली सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा बॉयज, तो बॉयज बेसिकली नाउन होती है।
और चूंकि नाउन मेरे पास पहले से मेंशन है, तो अगर मैं यहां से बोथ को ड्रॉप भी कर दूं, जरा सेंटेंस पढ़कर देखिए, द बॉयज आर कमिंग, वो लड़के आ रहे हैं। चूंकि मुझे नहीं पता कि लड़के कितने हैं, मुझे नहीं पता है एप्पल कितने लाने हैं, 2 किलो, 5 किलो, कितने पेन लाने हैं, तो किसी भी नाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी दिखाने के लिए, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं बोथ का मतलब दो से होता है, क्वांटिटी मेंशन कर सकता है, और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहां पर बोथ एडजेक्टिव है। आई वुड लाइक टू मैंशन कि आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था द भी इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, और आगे आप देखेंगे कुछ एडजेक्टिव साथ में रखे जा सकते हैं, कोई क्वालिटी कोई क्वांटिटी दिखा सकता है। तो बोथ द बॉयज आर कमिंग, बोथ यहां पर एडजेक्टिव होगा बिकॉज ऑलरेडी आपके पास नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी हमेशा एडजेक्टिव ही दिखा सकते हैं। वापस देखें इसी चीज को, मैंने फिर लिखा ऑल ऑफ द बॉयज आर कमिंग, आई रिपीट ऑल ऑफ द बॉयज आर कमिंग एंड ऑल द बॉयज आर कमिंग, देखने में एक जैसे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आर कमिंग वर्ब का पार्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आर कमिंग वर्ब का पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑफ, अब आपके लिए शायद क्वाइट इजी होगा, कई बार आप ये चीज सुन चुके हैं, फिर भी कह दूं, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। आर कमिंग के लिए मेरे पास एक शब्द बचा, ऑल आर कमिंग, तो यहां पर ऑल चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और चूंकि ऑल इंग्लिश में नाउन किसी का नाम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो सब लोग आ रहे हैं ना, तो वो लोग नाउन है और उनकी जगह लिखे गए शब्द को प्रोनाउन कह दीजिए, तो ऑल यहां पर सब्जेक्ट है और सेंटेंस में प्रोनाउन का बिहेवियर रखता है। लेकिन ऐसा कहना कि ऑल हमेशा प्रोनाउन है जरूरी नहीं है ऐसा सही हो, ऑल इंग्लिश में बहुत फंक्शन करता है। ऑल द बॉयज आर कमिंग, यहां पर अगर आप कहें कि ऑल प्रोनाउन है तो माफ कीजिएगा, उसके बगल में एक नाउन मेंशन है, और चूंकि मेरे पास नाउन है तो मुझे प्रोनाउन की नीड तो नहीं रहती। I would say the boys are coming, लड़के आ रहे हैं। अब कितने, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, नहीं नहीं सारे आ रहे हैं, और किसी भी नाउन की क्वालिटी तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ क्वांटिटी जरूर दिखा सकता हूँ, दोनों ही काम एडजेक्टिव के होते हैं। तो ग्रामेटिकली यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट है जिसकी इंडिविजुअल पार्सिंग पर बॉयज यहाँ पर नाउन है, ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं, एडजेक्टिव साथ में लिखे जा सकते हैं, और नाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। आप में से कोई सोच रहा हो कि द की बात क्यों नहीं कर रहा, तो अभी मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ाए हैं, मैं आपको आर्टिकल बीच में डालकर कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। आप कुछ और एग्जांपल उठा लीजिए, मैंने कहा ऑल द प्लेयर्स आर हैप्पी, ऑल द प्लेयर्स हैव वन, भाई सभी खिलाड़ी जीत गए, सब लोग बहुत खुश हैं। आप जज कीजिए, ऑल द प्लेयर्स, आपका आंसर होगा ऑल यहां पर प्रोनाउन या एडजेक्टिव है, ऑल द प्लेयर्स ऑल यहां पर एडजेक्टिव होगा बिकॉज प्लेयर्स पहले से ही नाउन मेंशन है, सभी खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, आप उनकी क्वांटिटी दिखा रहे हैं और नाउन की क्वांटिटी एडजेक्टिव्स दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑल इज वेल एक रटी हुई लाइन हमारी। अब मैं आपसे ग्रामर पूछना चाहूं, ऑल यहां पर क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, व्हाट, तो मुझे नहीं पता, बस ऑल इज वेल होता है तो होता है। कई बच्चे कई बार डाउट पूछते हैं, सर इंग्लिश में ऑल इज वेल होता है, ऑल आर वेल होता है। अब अगर आपको ग्रामर पता है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं क्या होता है क्या क्या नहीं होता, आप खुद बना सकते हैं, सेंटेंस लिखने का हक हमको भी है, लेकिन रटने के तौर पर हमने बचपन से रटा है ऑल इज वेल। अगर मैं पूछूं ऑल क्या है, इज क्या है, वेल क्या है, तो वो हमें नहीं पता, बोल चाल की भाषा तो हम जानते हैं, बट हाँ आगे से ध्यान रखिएगा, व्हेन यू से ऑल इज वेल, वेल मैंने अभी नहीं पढ़ा है, बट एडजेक्टिव एडवर्ब में से कुछ होगा, प्रिसाइजली एडवर्ब होती है। ऑल क्या होगा, तो ऑल इज इंग्लिश में वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं, ऑल यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि और कोई वर्ड है नहीं, और सब्जेक्ट होगा तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑल किसी का नाम तो नहीं होता, लेकिन हाँ किसी के नाम के स्थान पर जरूर लिखा जाता है, मस्ट बी अ प्रोनाउन, मेरा बिजनेस अच्छा, घर पर सब अच्छे, ऐसा अच्छा, वो अच्छा, सब बढ़िया, तो ये सब किसी का नाम नहीं है, प्रोनाउन कह दीजिए। लेकिन हाँ, ऑल द थिंग्स आर वेल, सभी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई हैं, सही सलामत हैं, तो जब ऑल द थिंग्स कहेंगे आप तो उस केस में थिंग वस्तु नाउन में आ जाएगी और उनकी क्वांटिटी दिखाने पर ऑल वहां पर एडजेक्टिव होगा। आशा करता हूं ये चीज क्लियर हो। आगे और अच्छे एग्जांपल्स है, सम डिफरेंट वर्ड्स को आप देखेंगे, उससे पहले आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए कुछ और बेहतर एग्जांपल से इस बात को समझें। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैनी पीपल अग्रीड विद हर, कई लोग उसकी बात से सहमत थे।
मेरे पास वही बेसिक्स हैं जो आपको अभी तक बोले कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, अग्री मस्ट बी अ वर्ब। अग्री चूंकि यहां पर वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होंगे, बट अग्री ट्रांजिटिव नहीं होती है, बाद में देखेंगे कैसे क्या। हाँ मुझे पता है हर शक्ल से दिख रहा है एक ऑब्जेक्टिव केस है, बिकॉज शी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव या तो वर्ब के साथ होगा या प्रपोजिशन के साथ होगा, तो बी विद यहां पर प्रपोजिशन है और प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो हर आपका फिर से ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हाँ वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होंगे, तो इन दो शब्दों को आप कलेक्टिवली तो सब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्वियसली ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बट इंडिविजुअली कहा जाए, इन दोनों को अलग अलग देखा जाए, तो मैनी अगर मैंने रटा है कि प्रोनाउन है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूं पीपल इंग्लिश में नाउन बिहेवियर रखती है, और पीपल चूंकि नाउन है तो लोग उसकी बात से सहमत थे। अब कितने लोग, एक लोग, दो लोग, चार लोग, क्वांटिटी, कई लोग उसकी बात से सहमत थे। अब जब आपने मैनी पीपल कहा है, तो मैनी यहां पर ऑब्वियसली पीपल की ही क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने का काम करेगा, क्वालिटी तो नहीं दिखा सकता, क्वांटिटी दिखा सकता है, आफ्टर ऑल मस्ट बी एन एडजेक्टिव। तो इंग्लिश में मैनी कई जगहों पर आफ्टर ऑल ज्यादातर हमेशा एडजेक्टिव ही बिहेवियर रखता है। मैनी पीपल अग्रीड विद हर, पीपल नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव्स दिखाते हैं, तो मैनी यहां पर एडजेक्टिव बिहेवियर रखेगा। हाँ मान लीजिए इस सेंटेंस को नया लिखा जाए, एक और स्टेटमेंट इसी में समझा देता हूं, कई लोग उसकी बात से सहमत थे, मैनी पीपल, मैनी एडजेक्टिव है, अरे कई ने समर्थन किया उसका, कई वहां पर जाते हैं, कईयों ने तो मना कर दिया। अब जब मैंने कई लोग ना कहकर सिर्फ कई शब्द का इस्तेमाल किया हो, मैनी का इस्तेमाल किया है, मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखा हो मैनी अग्रीड विद हर, आप सबका आंसर शायद होगा मैनी यहां पर ऑब्वियसली प्रोनाउन होगा, बिकॉज अब मैनी के पास कोई नाउन नहीं है जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी दिखाकर वो उसका मीनिंग चेंज कर पाए, तो मैनी पीपल एडजेक्टिव है, मैनी अग्रीड विद हर, मैनी खुद सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन होगा, मस्ट बी एन एडजेक्टिव, मस्ट बी अ प्रोनाउन, सॉरी। द सोल्यूशन टू मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज, आगे जो भी लिखा हो, द सोल्यूशन टू मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज, मेरे पास एक फंक्शन यहां पर है कि इज आपकी वर्ब है जगह सेव करने के लिए, और आगे का काम हमारा है नहीं, तो मैंने वर्ब के साथ ही सेंटेंस डैश 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 कर दिया, इसके पहले जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, तो मैंने द सॉल्यूशन को पिक किया, ऑब्वियसली सॉल्यूशन यहां पर सब्जेक्ट होगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन इंग्लिश में नाउन है, टू प्रपोजिशन है, मैनी का मुझे नहीं पता ये क्या है यहां पर, लेकिन ऑफ प्रपोजिशन है और उसके साथ में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रामेटिकली मैनी यहां पर, आपका आंसर, मैनी यहां पर नाउन है या प्रोनाउन है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस प्रपोजिशन से ऑब्जेक्ट एसोसिएट हो चुका है, तो वो उस चीज को हटा दीजिएगा, वो उसके साथ है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट दिख रहा है, और मैनी ओके मैनी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी, यानी कि चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, नाउन प्रोनाउन हो सकता है, तो यहां मैनी के पास कोई नाउन नहीं है, ऑफ के साथ सेपरेटेड ऑब्जेक्ट है, टू से पहले पूरा सब्जेक्ट है, यही इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मस्ट बी अ नाउन और प्रोनाउन, चूंकि मैनी इंग्लिश में नाउन तो नहीं होता, लेकिन हाँ हम जानते हैं नाउन की जगह जरूर लिखा जा सकता है, मस्ट बी अ प्रोनाउन हियर, तो मैनी यहां पर प्रोनाउन है बिकॉज उसके बगल में नाउन नहीं है। मान लीजिए यही स्टेटमेंट लिखा होता द सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, अब जो टू का ऑब्जेक्ट होता वो मैनी प्रॉब्लम्स होता, जहां पर प्रॉब्लम नाउन हो जाती और कई सारे दिखाने के लिए मैनी उसका एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन चूंकि यहां पर मैनी के साथ कोई नाउन नहीं है, मैनी मस्ट बी अ प्रोनाउन। वापस देखते हैं, मे आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, मे आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, दिख रहा होगा आस्क आपकी वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होंगे और बाद में ऑब्जेक्ट होंगे, तो ये आफ्टर ऑल पूरा का पूरा तो ऑब्जेक्ट है, बट अ फ्यू मुझे नहीं पता ग्रामर में क्या होता है, अ फ्यू इंग्लिश में प्रोनाउन है, अ फ्यू इंग्लिश में डिटर्मिनर भी है, आगे देखेंगे, अ फ्यू इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है, आफ्टर ऑल आप एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स को हाल फिलहाल सेम रख सकते हैं, तो क्वेश्चंस मुझे जरूर पता है इंग्लिश में नाउन बिहेवियर रखता है, क्वेश्चन आंसर ये सब नाउन होते हैं, और मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं, चार पूछ सकता हूं, हजार पूछ सकता हूं, बहुत सारे पूछ सकता हूं, तो मे आई आस्क मैनी क्वेश्चंस, मे आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस,
सम क्वेश्चंस, चूंकि क्वेश्चन नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वालों को हमेशा एडजेक्टिव कहा जाता है, तो अ फ्यू यहां पर एडजेक्टिव है, आपने हमेशा उसे एडजेक्टिव की तरह पढ़ा है, बट कई स्टेटमेंट्स में अ फ्यू प्रोनाउन भी बिहेव कर सकता है। आई विल टेल यू अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज, वैसे आपको दिख रहा होगा विल वर्ब है, सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्वियसली वर्ब हो जाएगी, ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो फ्रेज लिखी गई है अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज, अब अ फ्यू के साथ जैसा मैं ऊपर देख सकता हूं इसके बाद नाउन थी तो आपने इसे प्रोनाउन एडजेक्टिव कह दिया, अब अ फ्यू के पास कोई नाउन नहीं है, मेरे पास ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये फ्रैक्शन प्रपोजिशन के साथ चला गया, अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बचा सिर्फ एक शब्द अ फ्यू, चूंकि इसके पास कोई नाउन नहीं है तो यही खुद क्या बिहेव करेगा, मस्ट बी अ प्रोनाउन, तो अ फ्यू यहां पर प्रोनाउन है और अ फ्यू यहां पर एडजेक्टिव है, बिकॉज इसके साथ नाउन मेंशन करने के लिए थी और यहां पर ये खुद ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ भी बिहेव करे, मस्ट बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन हो नहीं सकता इसीलिए प्रोनाउन बिहेवियर रखेगा। ईच बैटरी हैज बीन सोल्ड, ईच बैटरी हैज बीन सोल्ड, मुझे हैज बीन से नजर आएगा ये पूरा वर्ब का फ्रैक्शन है, पैसिव है, आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए ईच बैटरी, मुझे नहीं पता ईच इंग्लिश में क्या होता है, वैसे हमने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा था कि ईच इंग्लिश में प्रोनाउन होता है, बट अगर मैं यहां पर ईच को प्रोनाउन कह दूं तो फिर यहां पर बगल में नाउन मेंशन है और चूंकि मेरे पास नाउन मौजूद है, बैटरी हैज बीन सोल्ड, एक बैटरी, दो, चार, दस, पचास, हजार, हर एक, प्रत्येक, जो भी आप कहिएगा, नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी दिखाने का काम एडजेक्टिव्स का होता है, तो आपने तब भी देखा होगा ईच इंग्लिश में एडजेक्टिव प्रोनाउन था, आज आपने देखा ईच इंग्लिश में एडजेक्टिव है, कभी आगे देखेंगे ईच इंग्लिश में एडवर्ब भी होती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस, और सिमिलरली आई आंसर ईच ऑफ हर क्वेश्चंस, आई सब्जेक्ट, आंसर वर्ब हो जाएगी, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन इंडिविजुअल पार्सिंग में ऑफ फिर से एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये जो क्वेश्चन वर्ड यहां पर है ये ऑफ के साथ में है, बचा कुचा जो शब्द होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां पर ईच के साथ चूंकि नाउन मेंशन नहीं है मस्ट बी अ प्रोनाउन, तो इन केस ईच यहां पर आपका वापस प्रोनाउन बिहेवियर ही रखेगा। एक बार क्विकली रिकॉल करना चाहूं, मैनी पीपल आंसर्ड अग्रीड विद हर, सॉरी, पीपल नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव्स दिखा सकते हैं, मैनी यहां पर एडजेक्टिव है, और अगर पीपल नहीं होता तो मैंने खुद सब्जेक्ट होकर नाउन या प्रोनाउन का बिहेवियर देता, चूंकि नाउन नहीं हो सकता इसलिए प्रोनाउन होना चाहिए। द सोल्यूशन टू मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नाउन है, मैनी एडजेक्टिव हो सकता था अगर उसके जस्ट बगल में लिखकर उसकी क्वांटिटी दिखाता, लेकिन चूंकि ऑफ प्रपोजिशन है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये फ्रैक्शन अलग है, मैनी को ही यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा और अकेला है तो एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, नाउन नहीं हो सकता, मस्ट बी अ प्रोनाउन। May I ask a few questions? आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तो क्वेश्चन नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव्स दिखाते हैं, लेकिन हाँ, अ फ्यू ऑफ द स्टोरीज, अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन स्टोरी नाउन है जो प्रपोजिशन के साथ कनेक्टेड है, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बचा कुचा शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सिमिलरली ईच बैटरी, बैटरी चूंकि नाउन है तो ईच को एडजेक्टिव होना पड़ेगा, अगर यहां से बैटरी हटा दिया जाए, ईच हैज बीन सोल्ड, हर एक बिक गई, अब हर एक क्या बैटरी, ऑब्वियसली नाउन के स्थान पर लिखे गए शब्दों को प्रोनाउन कह दिया जाता है। सिमिलरली ईच ऑफ हर क्वेश्चंस, ऑफ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ईच मस्ट बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाम तो है नहीं, मस्ट बी अ प्रोनाउन हियर, आप बाहू भी लिख सकते हैं, इससे बेहतर एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए नजर डालते हैं उस स्टेटमेंट पर जो कभी मेरी भी डाउट हुआ करती थी, मुझे नहीं पता, दिस इज माय बुक, माइंड बुक, व्हाटएवर, एक बार आप देखिए। ओके, स्कूल की डाउट्स में से कुछ चीजें जो रह जाती हैं वही पार्ट में रखना चाहूं, हो सकता है आपको आंसर मिल गया हो, मुझे नहीं मिला था कि दिस इज माय बुक सही है, दिस इज माइंड बुक क्यों नहीं, और दिस बुक इज माइंड सही है, दिस बुक इज माय क्यों नहीं, तो मुझे आंसर नहीं पता था, लेकिन हाँ आज मुझे पता है और आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि इस तरह आप ग्रामेटिकल सेक्शंस खुद बना सकते हैं, वेरीफाई जरूर करें डिक्शनरी से, मैं आज भी करता हूं, हमेशा करूंगा, बट हाँ कॉमन सेंस इज द बेस्ट की और हमेशा अप्लाई कीजिएगा। जरा फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहें, दिस इज माय और माइंड बुक, मुझे नहीं पता आंसर, दिस बुक इज माय और माइंड, मुझे नहीं पता इनका आंसर,
तो फर्स्ट स्टेटमेंट, मैं जैसे इतना जरूर जानता हूं कि इज यहां पर वर्ब है, इज यहां पर भी वर्ब है। वर्ब के पहले जो भी लिखोगे वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के साथ जो भी लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा। हाउएवर, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, बी इंग्लिश में एक ऐसी वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होते, बी के साथ ऑब्जेक्ट एसोसिएट नहीं होते। अब सर क्यों? तो मैंने अभी वर्ब नहीं पढ़ाई है, जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये लिंकिंग वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती। इस बात का सैंपल दिला सकता हूं, बाकी सारी वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं। ही किल्ड मी, आई इन्वाइटेड हिम, शी इन्वाइटेड मी, बट इट इज मी। यू रिमेंबर, इट इज मी ना होकर इट इज आई यूज किया था, फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश। हाउएवर अमेरिकन्स उसे इट इज मी भी कह देते हैं। वर्ब्स में आप वर्ब की डिटेल देखिए, मैं गलत नहीं कह पाऊंगा ये ऑब्जेक्ट है, बट ये जो कुछ भी है प्रेडिकेटिव है उसका, मुझे नहीं पता ये क्या है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह मानकर ट्रीट करना चाहें, बी के साथ सब्जेक्ट भी लिंक हो जाते हैं, एक्चुअली ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। क्या होते हैं आगे देखें कभी। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा, समझाने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, नाउन प्रोनाउन तो होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग, यहां पर जो शब्द आपने लिखा है मुझे नहीं पता ये क्या है, नाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही बिहेव कर सकते हैं। और दिस चूंकि नाउन नहीं होता, लेकिन वो मेरी किताब है, याद आया, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, अब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, आई एम सॉरी, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट दीज दोज सच और वन। अगर नहीं देखा है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में अपलोड किया था, जरूर देखिएगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश, दिस दैट दीज दोज सच एंड वन। तो यहां पर दिस किसी का नाम तो नहीं है, और नाउन नहीं है तो ऑब्वियसली मस्ट बी अ प्रोनाउन। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में अगर मैं घर से रटकर आया हूं कि दिस इंग्लिश में प्रोनाउन होता है, तो वर्ब के पहले अब दो शब्द हैं, दिस बुक, और अगर आप ये कह दें दिस प्रोनाउन है, तो माफ कीजिएगा, यहां पर कोई नाउन नहीं थी इसीलिए आपने प्रोनाउन यूज किया, बट यहां पर नाउन पहले से मेंशन है, तो बुक चूंकि पहले से नाउन है, अब उसके बगल में प्रोनाउन तो नहीं आ सकता। ये किताब मेरी है, तो किसी भी किताब नाउन के बारे में क्वालिटी, क्वांटिटी, पोजिशन, डिस्क्रिप्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, जो आप करेंगे नाउन प्रोनाउन के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन देने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो दिस यहां पर प्रोनाउन है, दिस यहां पर एडजेक्टिव है, प्रिसाइजली दिस यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दिस यहां पर वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स की एक लिस्ट टाइप करके दे दी थी, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने समझाया नहीं कि ऐसा ऐसा होता है, बिकॉज मैं प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा चुका हूं, जरूरी नहीं है कि मैं एडजेक्टिव्स को रटवाऊं, मैं उन्हीं शब्दों से आपको डिराइव कर सकता हूं। दिस इंग्लिश में डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है, जब एडजेक्टिव बिहेवियर रखेगी तब भी डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही रहेगी। तो दिस यहां पर प्रोनाउन है, यहां पर एडजेक्टिव है, बिकॉज ये खुद सब्जेक्ट है, नाउन है नहीं, लेकिन चूंकि यहां पर नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव्स दिखा सकते हैं। सेम बिहेवियर यहां देख लीजिए, मुझे नहीं पता क्या लिखा जाएगा, बट हाँ, इन तीन शब्दों को पढ़कर पता नहीं चॉइस कौन सी होगी। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल नजर आया कि बुक इंग्लिश में नाउन जरूर होती है, तो मैंने पहले नाउन मेंशन कर दी। अब नाउन के बारे में क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाएगा। और एक बार रिकॉल करना चाहूं, आप याद करें कि माय और माइन, मैंने जब एक टेबल ड्रॉ की थी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, तब आपको बताया था कि आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माय और माइन में डिफरेंस होता है, माय इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन इंग्लिश में पजेसिव प्रोनाउन है, याद आया। तो वही वेरिएशंस के साथ कहना चाहूं, माय और माइन ये प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और चूंकि नाउन है मेरे पास तो उसके बगल में मैं प्रोनाउन तो नहीं लिख सकता, मेरे पास नाउन मौजूद है, लेकिन हाँ, किसी नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने के लिए, पजेशन दिखाने के लिए, डेमोंस्ट्रेशन दिखाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए मैं एडजेक्टिव जरूर रख सकता हूं। तो अब मेरे पास आंसर है कि माय बुक क्यों सही है, माइंड बुक क्यों नहीं, बिकॉज माय और माइन काम वही करते हैं, लेकिन माइन ग्रामेटिकली चूंकि एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन के बगल में नहीं लिखा जा सकता, नाउन की एब्सेंस में लिखा जा सकता है, और कोई एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, प्रोनाउन को नहीं, इसीलिए आपका आंसर जाता है माय बुक। वी कैन नॉट से दिस इज माइन बुक, क्योंकि माइन प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आ सकते। वापस देखिए, दिस बुक इज माय और माइन। अब मेरे पास फिर से यहां पर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं कहूंगा, बट समझाने के लिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखना है मुझे, सब्जेक्ट रखना है, प्रेडिकेट रखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट रखना है, नाउन या प्रोनाउन होगा। माय और माइन में से कौन सा नाउन या प्रोनाउन होता है? नाउन तो इनमें से एक भी नहीं है, लेकिन प्रोनाउन, तो मुझे फिर से याद आया, माय इंग्लिश में एडजेक्टिव है, और कोई ऑब्जेक्ट जनरल तौर पर एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे एक प्रोनाउन को प्रेफर करना होगा, एडजेक्टिव प्रेफरेंस नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई वी से दिस इज माय बुक एंड दिस बुक इज माइन। आप किसी ऑब्जेक्ट को साधारणतः
किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वहां पर आपको नाउन या प्रोनाउन ही रखना होगा। चूंकि मेरे पास नाउन नहीं है लेकिन प्रोनाउन तो है, मैं काम करा सकता हूं। एक बार वापस देखिएगा, यहां से मैंने फिर समझाया, दिस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच भी तो हमने पढ़ा था, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आपकी किताब कौन सी है, कौन सी है आपकी किताब, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आज आप पढ़ेंगे विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली सारे शब्द वही बिहेवियर रखते हैं, तो विच इज योर बुक या फिर योर्स बुक, आंसर नहीं पता, विच बुक इज योर या फिर योर्स, मैं दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करना चाहूं, इज आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट होगा समझाने के लिए, ऑब्जेक्ट होगा, बस बी के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते, चूंकि ये सब्जेक्ट है मस्ट बी ए नाउन और प्रोनाउन। अब जल्दी से कहना चाहूं, विच किसी का नाम तो नहीं होता, लेकिन नाम की जगह लिखे गए शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन अगर मैंने टीप कर यहां लिख दिया विच प्रोनाउन है, तो माफ कीजिएगा, उसके जस्ट बगल में एक नाउन मेंशन है, और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्लियर? एंड सेकंड फ्रैक्शन वी कैन से योर बुक और योर्स बुक, तो मेरे सबसे पहले नजर जानी चाहिए बुक के पास, नाउन मेरे पास मौजूद है, और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वालों को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। योर और योर्स में भी वही कहानी है, ये एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन साथ में तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ किसी नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी पोजिशन दिखाने के लिए एडजेक्टिव्स रखे जा सकते हैं, तो विच इज योर बुक ना के विच इज योर्स बुक। इन द सेम फैशन वी कैन से विच बुक इज योर या फिर योर्स, मैं ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह पर जनरली एक प्रोनाउन रखना चाहूंगा, नाउन रखना चाहूंगा, एडजेक्टिव नहीं। तो चूंकि योर एक एडजेक्टिव होता है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, आई मस्ट से एक प्रोनाउन के साथ विच बुक इज योर्स। अगर डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई वुड से आंसर्स टू वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे भी नहीं पता थे एक स्टेज पर, बट आज काफी इंप्रेसिंग होगा, इंप्रेसिव होगा समझना कि ये प्रोनाउन था, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोनाउन अकेले स्टैंड कर सकते हैं। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोनाउन नाउन के बगल में नहीं आ सकता, और प्रोनाउन ऑब्वियसली अकेले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिहेवियर दे सकते हैं। तो मैं आपको क्यों रटवाना चाहूं कि ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, मैंने समझाने के लिए इतनी बड़ी स्लाइड्स में बाखूबी आपको समझाना चाहा, आप जरूर लिखिएगा। और डेली लाइफ में हम सारे सेंटेंसेस को सुनते हैं, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता, क्या तुम ये भी नहीं जानते, व्हाट अ मैच, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कार, डिफरेंस। तो आइए इनको भी जज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट, तुम्हें ये भी नहीं पता, मैंने पढ़ाया था आपको व्हाट इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बिहेव करता है, बिकॉज एक्सक्लेमेशन दिखा पाता है आश्चर्य, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता, आश्चर्य दिखाने का काम करता है, और एकमात्र प्रोनाउन यह काम कर पाता है, इसलिए व्हाट इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। तो व्हाट मैं यहां पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कह पाऊंगा, और कोई शब्द मुझे अभी पता ही नहीं है। और उसके बाद पूरा का पूरा स्टेटमेंट जरूर लिखा है, यू डू नॉट नो दिस, तुम्हें यह भी नहीं पता, व्हाट, यू डू नॉट नो दिस, व्हाट यहां पर प्रोनाउन है, अपने आप में अकेला स्टैंड कर सकता है। रिमेनिंग फ्रैक्शन उसके बाद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, अब मैं घर से रटकर आया, व्हाट इंग्लिश में प्रोनाउन है, तो माफ कीजिएगा, प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं लिखी जा सकती, व्हाट इंग्लिश में प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी है, बट नाउन नहीं आ सकती, नाउन नहीं आ सकती, फिर क्या करें? तो चूंकि यहां पर मैच नाउन है, फर्स्ट ग्लैंस मैच इंग्लिश में नाउन है, कैच इंग्लिश में नाउन है, कार इंग्लिश में नाउन है, और नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी क्वांटिटी डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेशन दिखाने वाले शब्दों को भी एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो ग्रामेटिकली ये तीनों क्या होंगे? एडजेक्टिव्स। लेकिन हाँ, ना इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ना क्वालिटी दिखाई है, ना क्वांटिटी दिखाई है, एक्सक्लेमेशन शो किया है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। चूंकि इनके साथ नाउन है, प्रोनाउन नहीं आ सकता, और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी या कोई भी चीज एड मीनिंग एडजेक्टिव्स का काम रहता है, तो वॉट यहां पर प्रोनाउन कहा जाएगा और व्हाट यहां पर एडजेक्टिव रहेगा। तो वापस कहना चाहूं, बोलचाल की भाषा से हम जानते तो हैं व्हाट, ऐसा हो गया वो व्हाट प्रोनाउन था कि एडजेक्टिव था, ना के बराबर लोग जानते हैं, व्हाट अ मैच, व्हाट अ कार, मजा आ गया, ना के बराबर लोग भी शायद नहीं जानते कि वो व्हाट यहां पर एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। बोलचाल की भाषा से हम सिर्फ शब्दों का उपयोग जानते हैं, लेकिन हाँ अगर ग्रामर पता है तो एग्जाम के लिए फोकस करना बहुत अच्छी बात है, और खुद के लिए भी हमारी पर्सनैलिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लास्ट स्लाइड में इन चीजों को फिनिश करना चाहूं।
तो मेरी नज़र में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो आज आपने सीखे कि जिस तरह किसी भी सेंटेंस के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट, और आज से तीसरी चीज़ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बिहेव कर सकते हैं। प्लीज़ इन तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चौथी एक और ऐड हो जाएगी कभी कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेंटेंस सिर्फ मॉडल्स में नहीं, वॉइस, नरेशन, भाषा में कई जगह आपको काम आएगा। हाल फिलहाल मैंने तीन को डिटेल में समझाया। अब आशा रखता हूं कि आपको मुझे रटवाना ना पड़े जो मैंने सिर्फ टाइप्स में लिख कर दे दिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स और जो भी टाइप्स लिखे मुझे भी याद नहीं है। बट हाँ, सेंटेंस में उसका फंक्शन देखकर उसका नामकरण संस्कार किया जा सकता है। तो मैनी आर कमिंग, कई आ रहे हैं भाई, कई जाते हैं उधर, तो मैनी यहां पर मैनी आर कमिंग नाउन नहीं है, प्रोनाउन कह दीजिएगा। बट मैनी बॉयज आर कमिंग नाउन है, उसकी क्वांटिटी दिखाने के लिए एडजेक्टिव रहेगा। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, ईच अकेला है, ऑफ के साथ प्रपोजिशन से ऑब्जेक्ट हट गया, ईच यहां पर प्रोनाउन रहेगा। बट ईच बॉय हैज डन हिज होमवर्क, तो ईच बॉय, बॉय नाउन है, हर एक, प्रत्येक, दो, चार, पंद्रह, जो आप कहेंगे, एडजेक्टिव रहना चाहिए। ऑल इज वेल, बोलने तो सब जानते हैं, ऑल यहां पर प्रोनाउन है, हर कोई नहीं जानता। बट ऑल द प्लेयर्स रिजॉइस्ड द विक्ट्री, हर प्लेयर ने खुशी मनाई, तो ऑल द प्लेयर्स यहां पर प्लेयर नाउन है, ऑल उनकी क्वांटिटी दिखाएगा, एडजेक्टिव ऑब्वियसली। व्हाट अ मैच, मैच नाउन है, व्हाट को आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहिएगा, और व्हाट, तुमने मैच नहीं देखा, तो ये पूरा सेंटेंस था, व्हाट यहां पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन रहेगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी काफी हेल्पफुल होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज आपने देखा यूज ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वीडियो बाकी फिर से बहुत अच्छा रहने वाला है, यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव। इंग्लिश में कई बार नाउन भी एडजेक्टिव बिहेव कर सकती हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर मैं उसी में रखना चाहूंगा कि साधारणतः आप चेक कर सकते हैं, गलत नहीं बोल रहा हूं, स्टार इंग्लिश में काउंटेबल नाउन है। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ना साइंस से मेरा कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, मैंने नाउन में पढ़ाया था, आज आप ध्यान रखें, चेक कर लीजिएगा, स्टार इंग्लिश में काउंटेबल नाउन है। बिकॉज ऑक्सफोर्ड लिखती है लगभग 6000 के आसपास तारे नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, तो जिसमें 6000 का फिगर लग सकता है, ऑब्वियसली इट मस्ट बी काउंटेबल इन नेचर, स्टार इंग्लिश में काउंटेबल नाउन है। तो आज मैंने आसमान में 5 तारे देखे, 5 स्टार्स कहा जाएगा। बट जब मैं किसी होटल में जाता हूं तो वो 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं कहा जाता, मुझे ऐसे कई क्वेश्चन के आंसर नहीं पता। द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा नाम तो है, बिहेविंग एज एडजेक्टिव, अब कैसे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट। दिस इज कपिलदेव शर्मा, आई ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।